यहाँ पे देखिए हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। लकी इसी व्लॉग चैनल में एक नए वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग नरहरपुर का बाजार जा रहे हैं, तो आप सभी को नरहरपुर का बाजार घुमाऊंगी। भैया के साथ जा रही हैं और अभी भैया तैयार नहीं हुए हैं, तो भैया के तैयार होते तक मैं अपना एक वीडियो शूट कर लेती हूँ। हमें कुछ कुछ सामान खरीदना है तो बाजार जा रहे हैं, और मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है तो मेडिकल दुकान भी जाएंगे दवाई लेने। तो वीडियो में आगे बने रहना। चलो दोस्तों, चलते हैं। अभी हम लोग घर से निकल गए हैं, रास्ते भी है। दोस्तों, यहाँ पे मेरे को कुछ खरीदना है, मछली वाले सामान खरीदेंगी। अभी बहुत आ जाती है ना, वो हम नहीं भरे हैं भाई, कम पानी डालते हैं। और ये डोरी नहीं चाहिए क्या? डोरी है, डोरी है। हाँ बोलो ना।
120 रुपए हो गए भैया, 120 रुपए लेस के साथ। लेस और बटन किट बटन है, दुकानें हैं दोस्तों, इधर ये देखिए सब्जी की दुकान है, राशन सामान दुकान है, बीच बीच में ऐसी लगा है, देखो भी टमाटर है, किए हैं सीमेंट लगाने से पहले, और इधर पानी का भी व्यवस्था दी है, पानी का पानी है इधर। Thank you.
थाली देखी, बिल्कुल ज़्यादा राशन सामान है, जो दाल बेच रहे हैं, दूध बेच रहे हैं, उधर चप्पल है, चप्पल की दुकान है, ये लाइट की दुकान है, चार चप्पल खरीदा रखते हैं यहाँ पे, और इधर राशन वाले है, ये तेल दिखा दिखा है, दाल है और कुछ रखा राशन सामान जो भी है। दुकान लगाए हैं लगा हुआ परीक्षा बूथ है, इधर साइड में ये दुकान है परीक्षा बूथ दुकान है, और इधर ये मिठाई की दुकान है, काफ़ी भीड़ लगी हुई है मिठाई की दुकान में, और इधर सब्जी बेचने वाले हैं बीच बीच में, और यहाँ आगे में खरना दस रुपये वाला है सामान बेच रहा है। खाली दस दस में उठा कोई सामान, हर माल दस में, दस में, दस में, दस में, दस में चाय बेचने वाले लोग बोले हो ना बोले नहीं तो सुनना भाई तो भी करवाना और घर पर सब्जी की दुकान ₹20 दर्जन कंगन ले जा 20 में 1.50 में 3 दूसरा वाला देख दो हजार मंगवे में जान मिले चलो 20 रुपया 2.5 किलो 20 रुपया 2.5 किलो 20 रुपया 2.5 किलो जब तक खत्म होगा।
तो दोस्तों अब हम सबसे सामान खरीद लिए, अब हम लोग घर जा रहे हैं। मैं घर से बोली थी कि मेरा तबीयत खराब है तो मेडिकल में दवाई लेंगे, लेकिन यहाँ निःशुल्क वाला उपस्वास्थ्य शिविर लगा था तो वहीं पर अपना चेकअप करा दिया। मेडिकल में जाना पड़ेगा।